कहा जाए कि इस वक्त दुनिया में ईरान सरकार का सिस्टम उसी देश की महिलाओं ने हिलाकर रख दिया है तो बिल्कुल भी गलत नहीं कहा जाएगा। कुछ भी बताएं समझाएं, उससे पहले आप ये दमदार तस्वीरें देख लीजिए। विद्रोह की ये तस्वीरें ईरान से आई। ईरान में हिजाब को लेकर पुलिस कस्टडी में हुई मौत को लेकर बवाल मचा हुआ है। आवाम की महिलाएं और लड़कियां सड़कों पर हैं। ईरान में हिजाब पहनने का सख्त कानून के बावजूद महिलाएं हिजाब उतार कर कई जगहों पर हिजाब जलाकर अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर और भी वायरल वीडियो सामने आए हैं जिसमें ईरानी लड़कियां इस विरोध में अपने बालों को कैंची से काट रही हैं। 22 साल की ईरानी लड़की महसा अमीनी की बीते शुक्रवार मौत होती है। मीडिया रिपोर्ट्स में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है। उस समय महसा पुलिस हिरासत में थी। बीबीसी के मुताबिक घटना के समय मौजूद गवाहों का कहना है कि महसा अमीनी को तेहरान से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने ले गई। हालांकि पुलिस ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि हिरासत के दौरान अमीनी को अचानक हार्ट अटैक आया। दूसरी ओर महसा अमीनी के परिवार का दावा है कि महसा बिल्कुल स्वस्थ थी। उनका आरोप है कि पुलिस हिरासत में ही कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी मौत हो गई। ईरानी लड़की महसा की मौत के बाद जिस तरह का बवाल ईरान में हुआ, दूर दूर तक किसी अथॉरिटी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। महसा के समर्थन में काफी तादाद में महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। कई जगह ऐसे हालात हैं कि सुरक्षा कर्मियों को फायरिंग करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और कई ऐसे वीडियो जो सामने आए हैं कि विरोध के रूप में अपना बाल काट रही हैं और उन्होंने भी अपना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ईरान एक इस्लामिक देश है जो शरिया कानून पर चलता है। ईरान में 7 साल से ज्यादा की किसी भी लड़की को अपने बालों को कवर करने के बाद ही बाहर निकलने की अनुमति है। साथ ही इसी उम्र के बाद लड़कियों को लंबे और ढीले कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। बीते 5 जुलाई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हिजाब कानून लागू किया था जो एक तरह से नई पाबंदी महिला और लड़कियों पर ईरान में लगाई गई थी, जिसके बाद इस हिजाब को लेकर एक नया बवाल सामने आया है कि महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं और बदले में पुलिस उन पर गोलियां दाग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।